हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ ना ब्रेक डाउन कर रहा है और ना ब्रेकआउट कर रहा है, एक रेंज में सस्टेन हो रहा है और स्टॉक गिरावट नहीं दिखा रहा है। अगर गिरावट आनी होती तो स्टॉक गिरावट दिखा जाता और अपने इस लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आता, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और ये भी कहा गया था कि स्टॉक में यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बन रहे क्योंकि बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा था, स्टॉक एक रेंज में सस्टेन हो रहा था। और फाइनली स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर चुका है 45 के लेवल को, जहाँ से स्टॉक मल्टीपल्स टाइम हमको रिजेक्शन फेस करता नज़र आया था। इसके ब्रेकआउट के बाद हमने डिस्कस किया था इसके इस हाई को टारगेट के तौर पर 46.50 के लेवल को, और हम देख सकते हैं स्टॉक ने एग्जैक्ट उसी लेवल पर हमको क्लोजिंग दिखाई है, यानी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है स्टॉक, यहाँ पर ही क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन जिस तरह से आप रिकवरी देखने के लिए मिल रही है इजी ट्रिप में, आने वाले ट्रेडिंग डे में इस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पहले सपोर्ट लेवल को। सपोर्ट लेवल की बात करेंगे पहले हम। 46 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेक डाउन कर जाता है तो जहां इससे पहले स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था, सपोर्ट भी लिया था 45 का लेवल। तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 40 का लेवल, जहाँ से गिरावट के बाद बाउंस बैक किया है। हम देख सकते हैं 42.80 के लेवल से स्टॉक का ट्रेंड बदल चुका है, हाई आ रहा है, यहाँ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से आप इमीडिएट टारगेट की बात करें तो जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था 48 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक में हमको अगेन 50 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 50 का लेवल ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए। इजी ट्रिप को 50 का लेवल ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था और गिरावट दिखाई थी। अगर 50 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया और ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बन रहे, जिस तरह से मार्केट सिग्नल दे रहा है और इजी ट्रिप रिकवरी दिखा रहा है, 50 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। 50 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ हमको बड़ा जंप, बड़ी बाइंग भी किसी वक्त भी देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर अगला टारगेट 52, और इसको ब्रेकआउट करके 54 से लेके 60 तक के टारगेट आप इजी ट्रिप में हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।